हेलो एवरीवन, माय नेम इज दीपराज चंद्राकर और आप देख रहे हैं क्रैश कोर्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। आप अभी प्रोडक्शन का क्रैश कोर्स देख रहे हैं और टिल नाउ हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक। अभी आप लोगों को मैकेनिक्स ऑफ मशीनिंग मशीनिंग के बारे में बता दिया। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि मेटल फॉर्मिंग में किस किस तरीके की चीज़ें होती हैं, रोलिंग, एक्सट्रूजन, ड्राइंग, डिप ड्राइंग, है ना, सारी चीज़ों के बारे में मैंने, वायर ड्राइंग, ये सब चीज़ों के बारे में आपसे बात किया है। उसके बाद मैंने आपसे बात किया है अभी अनकन्वेंशनल मशीनिंग के बारे में बात किया कि भाई ECM क्या होता है, EDM क्या होता है। लास्ट क्लास तक मैं EDM के फॉर्मूलेस के बारे में बात किया था। अब रही बात कि ये क्रैश कोर्स इतने सारे लेक्चर्स हो गए हैं, आपको ये सारी यूजफुल लेक्चर्स हैं क्योंकि मैं वैसे ही एफर्ट मार के ये लेक्चर, आप समझ रहे हो, कम टाइम पे ज़्यादा आउटपुट के लिए ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत होती है, क्योंकि मुझे ना ये लेक्चर कंसाइज करने की ज़रूरत होती है हमेशा। ठीक, उस तरीके से मैं कंसाइज करता हूँ, उसके लिए मुझे एफर्ट मारना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, काफ़ी टाइम देना पड़ता है, तब जाके एक लेक्चर रेडी होता है। ठीक, उस हिसाब से अगर मैं बोलूँ जितने लेक्चर अभी तक हुए हैं जितने चैप्टर्स के, तो आप ना अराउंड 80% सवाल तो आराम से आपसे हो जाने चाहिए। जो न्यूमेरिकल्स पूछ रहे हैं वो तो पूरे आप चिपकाई डालोगे। रही बात थ्योरी, तो थ्योरी का आपको आइडिया दिया हूँ कि क्या करना है, कि पुराने क्वेश्चंस लगाइए, उसके नोट्स तैयार कीजिए। आप एक बुक रेफरेंस के लिए रख सकते हैं, घोषण मलिक, मैंने आपको रेफरेंस के लिए रखने के लिए कहा है, बट दैट इज़ नॉट इनफ ना। मतलब प्रोडक्शन एक बुक से अगर हो जाता ना तो बात ही अलग थी। नहीं है, पॉसिबल नहीं है, है ना। बहुत सारे चीज़ें अलग अलग जगह से उठाने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि इसका सिलेबस इतना वास्ट है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा वास्ट है। ठीक है, दैट्स वाई अपने कुछ ज़रूरत, और वैसा वेटेज भी है ना इस सिलेबस का, इसका, इस सब्जेक्ट का आपका वेटेज भी बहुत ज़बरदस्त है। गेट एग्जामिनेशन, गेट एग्जामिनेशन या किसी भी टेक्निकल एग्जामिनेशन में आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा वेटेज है। लेकिन अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो एकदम कोर गेट के लिए आप फॉलो करना चाहिए आपको, मुझे लगता है, क्योंकि इसमें मैं गेट एग्जाम में किस तरीके से चीज़ें पूछी जाती है, क्या आपका थॉट प्रोसेस होना चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये है कि वो 3 घंटे में ना मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है। जो एग्जाम का 3 आवर है वो 3 आवर्स, दैट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज मैं पूरा सब कुछ मुझे आता है, मैं सब कुछ पढ़ लिया यार, मैं क्वेश्चन बना लिया, लेकिन उस 3 घंटे में ना 65 क्वेश्चन थे, आउट ऑफ 65 मैं सिर्फ 30 अटेम्प्ट कर पाया, बिकॉज टाइम नहीं था, बिकॉज टाइम नहीं था। मतलब बाकी दूसरे तो अटेम्प्ट करके आए, बाकी दूसरे आपके 50 अटेम्प्ट करके आए हैं, 55 अटेम्प्ट करके आए हैं, 60 अटेम्प्ट करके आए हैं, कहीं तो पूरा पेपर करके आए हैं। सो यार इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है कि उस पर्टिकुलर टाइम में आप कैसे परफॉर्म करते हैं। तो उसके लिए ना आप अब अपने आप को उस सिचुएशन में डालना शुरू करो। मतलब जैसे मैं बताया हूं कि 180 मिनट होता है 3 घंटे में, तो और 65 क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन को 2 से 2.5 मिनट लगने वाले हैं। सो आपके गेट एग्जाम में सारे क्वेश्चन इस तरीके से होते हैं क्या? ऑलमोस्ट यस, ऑलमोस्ट यस। कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके ज्यादा समय ले, लेकिन कुछ क्वेश्चन बहुत कम समय में आप सॉल्व कर सकते हो, है ना। कुछ सवाल ऐसे मिलेंगे जो आप बहुत कम समय में सॉल्व कर सकते हो। सो ये ना मैनेज करने का वे रहेगा, तो इसके लिए टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि अब जैसे जैसे सिलेबस खत्म होते जाएगा, है ना, जैसे ही सब्जेक्ट खत्म होगा, अभी तो 3 सब्जेक्ट आप पैरेलली पढ़ रहे हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ रहे हैं, आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं और प्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। सो पैरेलली ये 3 सब्जेक्ट जैसे ही ओवर होता है, ऑलमोस्ट ओवर होने को है, ठीक है ना। अगर मैं प्रोडक्शन, इट विल टेक टाइम, एंड थर्मो इट विल टेक टाइम, थोड़ा सा लेगा, अक्टूबर तक मैं ले जाऊंगा इसको, है ना, क्योंकि बहुत सारी बातें करनी है, आप देख रहे हो। सो आपको ना टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए। आप गेट एकेडमी का टेस्ट सीरीज ले लीजिए, है ना, आप आपकी मर्जी है, ये ऐसा नहीं है कि गेट एकेडमी का ही लेना है, लेकिन मैं रिफर करने के लिए अगर मुझे पूछोगे तो मैं हमेशा गेट एकेडमी की बात करूंगा, क्योंकि मैं इस पे काम किया हूँ, तो मुझे भरोसा है, मुझे अपने आप पे भरोसा है, दैट्स वाई मैं ये चीज कह रहा हूँ, ठीक है ना। मुझे अपने आप पे भरोसा है, और यही भरोसा आपको अपने आप पे रखना है, और मुझे फॉलो कर रहे हो तो मुझ पर भी भरोसा रखना है भाई। और टिल नाउ आपने ये दिखाया है, बस एक रिक्वेस्ट और है कि आप ना प्लीज अपने फ्रेंड्स को, अपने ग्रुप में जहाँ पे भी है ना, मेरे टेलीग्राम में भी शेयर कर दीजिए। आप देखते हैं ना, तो मैं जो भी वीडियोस रहते हैं शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। इससे क्या होता है पता है, जब मैं नीचे देखता हूँ ये वीडियो आने के बाद, मैं जब देखता हूँ ना कि लाइक्स, अच्छा हाँ यार बहुत बढ़िया,
कमेंट्स। अरे यार बहुत बढ़िया। सो इससे क्या होता है कि अगले लेक्चर्स के लिए और मोटिवेट होता हूँ कि हाँ यार अब मजा आ रहा है, आप लोगों को भी बहुत मजा आ रहा है, मुझे भी बहुत मजा आ रहा है, तब तो मजे में तो ठीक है, मजे मजे में पढ़ लो। लेकिन अगर प्रेशर लेके ये चीजें हुई, जैसे मैं बोला कि आप लोगों को बोल दिया गया है कि क्रैश कोर्स देंगे, आप लोग उतना इंटरेस्ट दिखा नहीं रहे हो, तो मुझे भी उतना इंटरेस्ट आएगा नहीं, मैं प्रेशर में, ठीक है भाई बोल दिए हैं तो करेंगे। सो ये वाला पार्ट नहीं होना चाहिए। इससे ना मेरा तो नुकसान है, मेरा किस वे में नुकसान है कि मेरा ना काम में मन नहीं लगेगा, मेरा काम में मन नहीं लगेगा। और आपका इस वे में नुकसान है, अगर मेरा काम में मन नहीं लगा तो आपको अच्छी चीजें नहीं मिलेंगी। टिल नाउ मैंने बहुत अच्छी चीजें दी है, टिल नाउ बहुत अच्छी चीजें दी हैं। मतलब एक व्यक्ति जो पेड कोर्स से पढ़ा होगा कहीं से भी, उसको समझ में आ जाएगा, जब यहाँ क्रैश कोर्स पूरा वो अटेंड करेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि भाई वाकई में, हाँ ना, ये जो चीजें मिल रही है इतना इजिली अवेलेबल नहीं है। ठीक है ना, आपको ये चीज मैं कह रहा हूँ ना, मुझे पता है इतने सालों से है। और दूसरी चीज, जिस एग्जाम के लिए आप पढ़ रहे हो उस एग्जाम में मैं सिलेक्शन ऑलरेडी ले लिया हूँ, है ना, ऑलरेडी मतलब सालों पहले इस एग्जाम में सिलेक्शन ले लिया, मैं IIT बॉम्बे से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया। और मेरी चाहत है, मेरी चाहत है एटलीस्ट आप लोगों को ना IIT बॉम्बे तक छोड़ के आओ, ठीक है, उसके बाद आपकी मर्जी यार। वो छोड़ के आप PSU में जा रहे हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता, वो वहां से आप निकल के और कहीं जा रहे हो तो ठीक है, लेकिन यहाँ तक मेरे साथ अगर चलोगे तो मैं यहाँ तक छोड़ के आऊँगा और मिलने भी आऊँगा आप लोगों से, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ का तो एलुमनी हूँ, तो मैं मतलब मुझे तो पसंद है यार, वहाँ रहा हूँ तो मतलब बात ही अलग है, आप समझ सकते हैं। आप कभी विजिट करोगे ना। अच्छा ये एक जो मोटिवेशन है, मेरा मोटिवेशन क्या था पता है IIT जाने का, मैं एक बार IIT विजिट किया था, मैं उससे पहले जब इंजीनियरिंग में गया उससे पहले ना मुझे इतना आइडिया नहीं था कि IIT क्या है, क्या किस तरीके की चीज़ें होती है। धीरे धीरे मैं जाना, क्योंकि मेरी स्कूलिंग ना गवर्नमेंट स्कूल से हुआ है, सो धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि भाई IIT बड़ी चीज़ है। IIT जाने का मौका मिला, मैं जब 4th सेमेस्टर में था, सो वहाँ जब देखा IIT खड़गपुर मैंने देखा था, तो मेरा वहीं से मन हो गया था कि अब मैं IIT में ही पढ़ूंगा। एंड ऑब्वियसली चाहत, शिद्दत वाला प्यार मिल गया। ठीक ठीक है भाई। सो ये बातें थी, अपने आप को ना एनर्जेटिक रखो, मोटिवेटेड रखो, ये जान लिए रहो कि ये जो बचे हुए टाइम है एग्जाम तक का, ये डेली मेहनत करना है, एक भी दिन नहीं छोड़ना है, एक भी दिन नहीं छोड़ना है। इसका ना तो आपको पे किया जाएगा, मतलब आप मेहनत कर रहे हो उसका कोई पे नहीं किया जाएगा। ये पे किस फॉर्म में मिलेगा पता है, आपके अचीवमेंट्स, आपका जो सक्सेस इस एग्जाम में आप जो पाओगे उस फॉर्म में मिलेगा, लगा देगा। ठीक, चलिए भाई, लास्ट क्लास में मैं आप लोगों से EDM के बारे में बात किया था और साथ के साथ बोला था कि वर्कबुक का आप लोग सॉल्व करना, है ना, EDM के सवाल आप लोग सॉल्व करना, ये मैंने कहा था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 49, 50, 51 एंड 52 चार सवाल हैं। सो मैं चारों सवाल के बारे में बात करता हूं, होपफुली आपने ट्राई किया होगा। इसके अलावा और प्रीवियस ईयर के सवाल लगाने हैं। प्रीवियस ईयर के लिए आप किताब फॉलो कर सकते हैं, किताब मतलब आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक साथ जिसमें आता है, सो वो गेट एकेडमी का अवेलेबल है, आप वो परचेस कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि मैं जानता हूँ ये चीज़ें, इसलिए रिकमेंड करता हूँ मैं, क्योंकि उसमें मैंने वर्क किया, आई टोल्ड यू। ठीक, चलिए भाई शुरू करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 49 फ्रॉम द वर्कबुक, क्वेश्चन नंबर 49 फ्रॉम द वर्कबुक कह रहा है, इन एन EDM प्रोसेस यूजिंग RC रिलैक्सेशन सर्किट, अ 12 mm डायमीटर थ्रू होल इज मेड इन स्टील प्लेट 50 mm थिकनेस यूजिंग ग्रेफाइट टूल एंड कैरोसिन एज डाई इलेक्ट्रिक, एज्यूम डिस्चार्ज टाइम इज नेग्लिजिबल। यस ठीक, मशीनिंग इज कैरिड आउट अंडर फॉलोइंग कंडीशन। रेजिस्टेंस दे रखा है आपको, R की वैल्यू दे रखा है 40 ओम, कैपेसिटेंस सी की वैल्यू दे रखा है आपको 20 माइक्रोन फेराड, मतलब 10^-6 फेराड। सप्लाई वोल्टेज 220 वोल्ट, डिस्चार्जिंग वोल्टेज
110 वोल्ट। बोल रहा है टाइम फॉर वन साइकिल इन मिली सेकेंड इज, टाइम फॉर वन साइकिल इन मिली सेकेंड इज, ठीक। सो आपको टाइम निकालना है फॉर वन साइकिल मिली सेकेंड में, है ना, मिली सेकेंड में पूछा है। सो यार क्या अपने को फॉर्मूला पता है क्या इसका? बिल्कुल पता है सर, टी इक्वल टू क्या था, टाइम, टाइम फॉर वन साइकिल और डिस्चार्जिंग टाइम, तो इसमें क्या बोल दिया, नेग्लेक्ट करने के लिए बोल दिया। सो टी इक्वल टू आर सी लॉग वी नॉट, वी नॉट माइनस वी डी, ठीक। सो यहां से अगर मैं बात करूं, यहां से अगर मैं बात करूं तो आपका फॉर्मूला आपके पास है, पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर, यहीं पर रख देता हूं भाई। पुट द वैल्यूज, आर की वैल्यू कितनी है 40 ओम, सी की वैल्यू कितनी है 20 × 10⁻⁶ लॉग वी नॉट, दैट इज योर सप्लाई वोल्टेज 220 माइनस 110। देखते हैं भाई कितना आता है ये आंसर, है ना। दैट ये जो टाइम आएगा वो किस में आएगा, सेकेंड में आएगा, आपको किस में बताना है, मिली सेकेंड में। सो 40 × 20 × 10⁻⁶ लॉग 220 माइनस, आपका आ रहा है 5.54 टाइम, 5.54 इंटू 10⁻⁴ सेकेंड है। अगर इसको मिली सेकेंड में बात करूंगा तो 0.55 सेकेंड। सो दिस इज योर मिली सेकेंड, है ना, ये मिली सेकेंड। ठीक। सो आपका मिली सेकेंड में आंसर मिल जाएगा, मिली सेकेंड में आपको आंसर मिल जाएगा 0.55। सो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हुआ, आंसर ऑप्शन ए, आंसर ऑप्शन ए। यार आप देख रहे हैं ना गेट में किस तरीके से सवाल आते हैं, बहुत इजी इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं, सीरियसली इतना आसान नहीं है। इससे पहले भी तो प्रोडक्शन आपने देखा था, आपने कोशिश किया होगा, ऐसा तो है नहीं कि पहली बार प्रोडक्शन का नाम सुने, ठीक। लेकिन अभी आसानी इसलिए लग रहा है क्योंकि हम उस तरीके से चीजों को कंसिडर करके चल रहे हैं कि भाई इजली कैसे उसको कैरी कर पाए, ठीक। पहला पार्ट था ये, दूसरा बोला है एवरेज पावर इनपुट इन किलोवाट, मतलब 50 क्वेश्चन नंबर 50 इसी में कह रहा है एवरेज पावर। सो दैट इज योर पावर इक्वल टू हाफ सी वी डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइकिल टाइम, किलोवाट में बोला है ना, जो आएगा वो वाट में आएगा, उसको किलोवाट में आप कन्वर्ट कर दीजिएगा। सो हाफ सी की वैल्यू है आपके पास 20 × 10⁻⁶ एंड चार्जिंग वोल्टेज इज एक, सॉरी डिस्चार्जिंग वोल्टेज बोल है वी डी 110 स्क्वायर डिवाइडेड बाई टाइम, टाइम हमने मिली सेकेंड में निकाला था, दैट इज योर 0.55 इंटू 10⁻³ सेकेंड में आ गया अभी। सो ये आ जाएगा, जो भी आंसर आएगा वो वाट में होगा, वाट में होगा। सो लेट्स सी 20 × 10⁻⁶ इंटू 110 स्क्वायर 0.5 × 10⁻³। अच्छा ये आ रहा है 220 वाट, 220 वाट मतलब 0.22 किलोवाट। सो 220 एज पर द ऑप्शन 0.218, ठीक है 0.218। सो एज पर द ऑप्शन, ऑप्शन सी इज करेक्ट अप्रोक्स,
ठीक है ना, अप्रोक्स आंसर, नियरेस्ट आंसर यही आ रहा है। अगर सारी डेटा एकदम सही सपोर्ट करेंगे तो मुझे लगता है पूरा वैल्यू के साथ अगर ये जो आ रहा है उसको तो अप्रोक्स किए हैं, ये सारी वैल्यू अगर प्रॉपर पुट करेंगे है ना, सो आपको 0.218 किलोवाट मिल जाएगा। सो 0.22 किलोवाट, दैट्स ओके। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं भाई, वो भी आसान सवाल है, यहीं पे बात कर लेता हूँ, यहीं पे बात कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है, अ रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस रिलैक्सेशन सर्किट इज यूज्ड इन एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग प्रोसेस, द डिस्चार्ज ऑफ वोल्टेज इज 100 वोल्ट। ओके, वीडी आपको दे रखा है 100 वोल्ट, क्वेश्चन में मेंशन है भाई, ठीक है ना, 100 वोल्ट। एट द स्पार्क साइकिल टाइम दे रखा है 25 माइक्रोन सेकेंड, हाँ ना, मतलब 25 × 10⁻⁶ सेकेंड। द एवरेज पावर इनपुट रिक्वायर्ड इज 1 किलोवाट, ठीक, एवरेज पावर इज 1 किलोवाट, मतलब 1000 वाट, 1000 वाट। कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस पूछा है, वो भी किस में, माइक्रॉन फेराड में पूछा है ना, ये ध्यान रखना किस में पूछा है, यूनिट का, सो माइक्रॉन में पूछा है, माइक्रॉन फेराड में। सो यार पावर, एवरेज पावर, एवरेज पावर इज नथिंग बट योर हाफ सी वी डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी इक्वल टू पावर, दिस इज एवरेज पावर। सो ये हो जाएगा 1000 वाट 1/2 है ना, ये नोट कर लिए होगी, नोट कर लिए होगी, इसको इरेज कर रहा हूँ। सो एवरेज पावर इक्वल टू, मैं कह सकता हूँ उसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ, एवरेज पावर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1000 वाट, 1000 वाट इक्वल टू 1/2, कैपेसिटेंस निकालना है, सी निकालना है, वी डी दैट इज योर 100 वोल्ट स्क्वायर, टाइम दे रखा है 25 × 10⁻⁶। सो यहां से सी की वैल्यू आएगी, एंड सी की वैल्यू जो आएगी वो फेराइड में होगी, ठीक, नॉ लेस सी, कैलकुलेट कर लेते हैं भाई। सो 1000 × 25 × 10⁻⁶ × 10⁻⁶, एंड ठीक है, सी की वैल्यू 5 × 10⁻⁶ फेराड, 5 × 10⁻⁶ फेराड में आया, मतलब क्या हुआ, अगर माइक्रो में बोलोगे मतलब 5 माइक्रो फेराड विल बी द आंसर। सो एज पर द क्वेश्चन, ऑप्शंस अगर देखोगे, ऑप्शंस दे रखा है, यस ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर पर्टिकुलर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन बी 5 माइक्रो फेराड विल बी द आंसर, ठीक। सो इन चीजों का ध्यान रखना है यार, और प्रीवियस ईयर लगाओ, बार बार कह रहा हूं, प्रीवियस ईयर लगाओगे नहीं है ना, जो लगा रहे हैं उनका कॉन्फिडेंस गारंटी है इंप्रूव हो रहा होगा, लेकिन जो प्रीवियस ईयर नहीं लगा रहे हैं उनका कॉन्फिडेंस ना ऐसा नहीं हुआ होगा, मतलब आप समझ रहे हो, टिल नाउ इतने दिन का टाइम आपने इस लेक्चर में डाला है, सो प्रीवियस ईयर लगाना शुरू नहीं करोगे सो एडवांटेज उस वे में नहीं मिल पाएगा, सो प्रीवियस ईयर आपको लगाना चाहिए, ठीक है। आगे बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर 52, कह रहा सर्कुलर होल 25 mm डायमीटर, 25 mm डायमीटर दे रखा है, एंड डेप्थ इज 20 mm, ओके, डेप्थ मतलब हाइट एच 20 mm इज गिवन, इज मशीन बाय ईडीएम प्रोसेस, द मटेरियल रिमूवल रेट इन एमएम क्यूब पर मिनट इज एक्सप्रेस्ड MRR, एमएम क्यूब पर मिनट में दे रखा है एक फॉर्मूला दे रखा है, 4 × 10⁴ × I × t²
माइनस 1.23। वेयर आई, इस पे आई की वैल्यू दे रखा है 300 एम्पियर, जिसको पुट करना है, और द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मटेरियल टी वो दे रखा है 1600 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसको अगर डायरेक्ट इसमें पुट कर दूंगा तो आपका मटेरियल रिमूवल रेट आ जाएगा mm³/मिनट में। कह रहा है टाइम इन मिनट्स फॉर द मशीनिंग द होल इज, टाइम इन मिनट्स फॉर द मशीनिंग ऑफ द होल इज स्मॉल टी, टाइम लिख देता हूं। ठीक, सो टाइम निकालना है यार, सिंपल दिख रहा है। सर अगर मैं डायरेक्ट मटेरियल रिमूवल रेट निकाल दूं यहां से तो निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। दैट इज योर एम आर आर इक्वल टू 4 × 10⁴ इंटू आई की वैल्यू होगी 300 एम्पियर इंटू आपका टी का होगा 1600 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 1.23। ठीक, सो 4 × 10⁴, 300 × 1600 to the power -1.23, ये आ रहा है 1374.40, 1374.40 mm³ पर मिनट। सो ये आपका मटेरियल रिमूवल रेट mm³ पर मिनट में मिल गया। कितने mm³ का डेप्थ, मतलब कितने वॉल्यूम का डेप्थ आपको जनरेट करना है, कितने वॉल्यूम का होल जनरेट करना है, मतलब कितने वॉल्यूम का होल जनरेट करना है। सो यहां से अगर मैं देखूं तो ये सिलेंड्रिकल वॉल्यूम, सिलेंड्रिकल होल है, मतलब आपका वॉल्यूम ऑफ द होल विल बी π/4d² × h। सो दिस इज द वॉल्यूम जो आपको निकालना है, ये वॉल्यूम निकालना है, और एक मिनट में इतना वॉल्यूम निकाल सकते हो। तो ये अमाउंट ऑफ वॉल्यूम निकालने के लिए क्या कर दूंगा मैं, ये अमाउंट ऑफ वॉल्यूम अगर मैं कहूं एक मिनट में इतना वॉल्यूम निकाल सकता हूं, मुझे टोटल ये वॉल्यूम निकालना है। ये कैलकुलेट कर देते हैं भाई, π/4d² 25² × 20। So, ये इतना अमाउंट ऑफ वॉल्यूम mm³ में 9817.47 mm³ इतना वॉल्यूम निकालना है, एक मिनट में इतना निकाल सकते हो। तो इतना वॉल्यूम के लिए, सो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मेटल रिमूवल रेट, मेटल रिमूवल रेट। सो यहां से अगर मैं बोलूं 1374.7.143 मिनट विल बी द आंसर। सो दिस विल बी द मशीनिंग टाइम, इतना टाइम लगेगा इतने अमाउंट ऑफ वॉल्यूम को निकालने के लिए, सिंपल है ना। क्या इससे पहले मटेरियल रिमूवल रेट नहीं पढ़े थे, पढ़े हैं सर। क्या इससे पहले इस तरीके के सवाल नहीं बनाए हम, देखे हैं सर, ऑलरेडी बनाए, ठीक है ना। सो आपको ये आसानी से बन जाएगा। और मैं एक चीज हमेशा कहता हूं कि ये जिनका पहला लेक्चर जो अभी ये देख रहे हैं, ये फर्स्ट लेक्चर नहीं है डियर, इससे पहले भी लेक्चर्स हो गए हैं। सो आप अगर स्टार्टिंग से देखेंगे तो आप इस सब्जेक्ट को फिल कर पाएंगे, और आपको गारंटी दे रहा हूं कि आप जो टाइम इन्वेस्ट करेंगे उसका एडवांटेज मिलेगा, उसका आउटपुट मिलेगा, लगेगा कि यस सही जगह मैंने टाइम इन्वेस्ट किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, इसको इरेज करता हूँ। सो दिस इज अबाउट योर व्हाट, अनकन्वेंशनल मशीनिंग, अनकन्वेंशनल मशीनिंग के बारे में बात की। ठीक, सो टिल नाउ क्या क्या हो गया आपका, मशीनिंग हो गया, दैट इज योर मैकेनिक्स ऑफ मेटल कटिंग एंड मशीनिंग, उसके बाद आपने पढ़ लिया मेटल फॉर्मिंग, उसके बाद आपने पढ़ लिया अनकन्वेंशनल मशीनिंग। अब शुरू करेंगे हम वेल्डिंग, वेल्डिंग। सो हेडिंग डाल लेते हैं भाई वेल्डिंग। वेल्डिंग क्या होता है, वेल्डिंग इज नथिंग बट अ ज्वाइनिंग प्रोसेस, इट इज ज्वाइनिंग ऑफ टू मटेरियल्स, दैट मटेरियल्स मे बी सिमिलर और डिसिमिलर बाय यूजिंग हीट और विदाउट एप्लीकेशन ऑफ हीट, विथ प्रेशर और विदाउट प्रेशर, विथ फिलर मटेरियल और विदाउट फिलर मटेरियल, आप ज्वाइनिंग क्रिएट करते हो। सो
वेल्डिंग इज इट इज प्रोसेस इट इज प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग टू सिमिलर और डिसिमिलर मटेरियल सिमिलर और डिसिमिलर मटेरियल विथ और विदाउट एप्लीकेशन ऑफ हीट. Application of heat with or without application of pressure, with or without application of pressure, with or without filler material. With or without filler material. So ये कहलाता है welding. Welding में जो आप joint create करने वाले हो वो 100% leak proof joint आप create कर सकते हो. जैसे और मैं बोलूं इसके अलावा भी joining process होते हैं क्या? बहुत सारे joining process होते हैं भाई. आप bolted joint से है ना, मतलब with the help of नट बोल्ट आप ज्वाइंट क्रिएट कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ रिवेट आप ज्वाइंट क्रिएट कर सकते हो, बट दीज आर नॉट द 100% लीक प्रूफ ज्वाइंट. जैसे अगर मैं बोलूँ आप घर में जो गैस सिलेंडर यूज करते हो तो उस पर वेल्डिंग करना, मतलब वो गैस सिलेंडर बनाना है, तो वो क्या आप रिवेट से बना सकते हो क्या या बोल्ट से बना सकते हो क्या? मतलब जो ज्वाइनिंग होता है आप देखे होगे सिलेंडर है ना, सो वो ऑब्वियसली नहीं बना सकते. उसके लिए आप वेल्डिंग प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए आप वेल्डिंग प्रोसेस का, क्योंकि वो अपने को पता है भाई 100% लीक प्रूफ चाहिए. अगर लीक प्रूफ नहीं रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, समझिए. इसीलिए तो इंजीनियरिंग बना है ना. ऐसा नहीं है, कई होते हैं ना, कई होते हैं, कई छात्र ऐसे होते हैं, कई प्राणी ऐसे मिलेंगे आपको जो सोचेंगे सर ज्वाइनिंग ही तो करना है, काहे नहीं कर सकते. अरे कर लो, घर का ही करना, लेकिन अपने घर का, ठीक है? तो समझ में आ जाएगा, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. सो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि वेल्डिंग से आपका 100% लीक प्रूफ ज्वाइंट पॉसिबल है. जो वेल्डेड ज्वाइंट होता है, जो ज्वाइंट होता है उसका जो स्ट्रेंथ होता है, दैट स्ट्रेंथ इज वेरी गुड. वो आपका बेस मटेरियल की स्ट्रेंथ के बराबर भी हो सकता है, और अगर प्रॉपर उसमें अलाउइंग किया जाए तो उससे ज्यादा भी अचीव कर सकते हो स्ट्रेंथ. बेस मटेरियल मतलब ओरिजिनल मटेरियल जिसका वेल्डिंग करने वाले दो मटेरियल है ना, ये दोनों का अगर वेल्डिंग करने वाला हूं सो ये कहलाएगा बेस मटेरियल, ये कहलाएगा बेस मटेरियल. इसको वेल्डिंग करके ये वाला ज्वाइंट से जोड़ दिया, सो ये ज्वाइंट का स्ट्रेंथ ये बेस मटेरियल के स्ट्रेंथ के बराबर या इससे ज्यादा भी पॉसिबल है ना, एटलीस्ट बराबर तो आप ला ही सकते हैं, ठीक. सो दिस इज अबाउट योर वेल्डिंग का डेफिनेशन और वेल्डिंग के बारे में बात किया मैं. अगर मैं बात करूं वेल्डिंग का क्लासिफिकेशन, सो ये रेस कर रहा हूं, वेल्डिंग का क्लासिफिकेशन आपको बता देता हूं भाई. वेल्डिंग, अगर वेल्डिंग आप देखेंगे तो ये इस तरीके से दिखता है, सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, लिक्विड स्टेट वेल्डिंग, एंड सॉलिड लिक्विड स्टेट वेल्डिंग, दोनों फॉर्म में देखने को मिलेगा, कोई फिक्स नहीं है, ठीक है. सो आपका सॉलिड स्टेट वेल्डिंग में अगर मैं बात करूं तो इस पे आपका होता है, एक होता है कोल्ड स्टेट वेल्डिंग, लाइक अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग हो गया आपका है ना, आपका प्रेशर वेल्डिंग हो गया, ये सब आपका कोल्ड स्टेट वेल्डिंग के कैटेगरी में आता है. कोल्ड स्टेट वेल्डिंग फ्रिक्शन वेल्डिंग,
ये भी आपके सॉलिड वेल्डिंग के कैटेगरी में आता है, फ्रिक्शन वेल्डिंग। फोर्ज, हॉट फोर्ज वेल्डिंग क्या होता है? हॉट फोर्ज वेल्डिंग, अगर मैं बोलूं आपने मेटल फॉर्मिंग पढ़ा था तो आप क्या करते थे, मटेरियल को हीट करके रेड हॉट कंडीशन में हैमरिंग करते थे। सिमिलरली रेड हॉट कंडीशन में मैं दो मटेरियल को लाया, एक साथ रखा और उसका फोर्जिंग कर रहा हूँ, उसका फोर्जिंग कर रहा हूँ मतलब उस पर फोर्स लगा रहा हूँ, हैमरिंग कर रहा हूँ, समझिए। सो दोनों ज्वाइंट हो जाएंगे, दोनों ज्वाइंट हो जाएंगे, सो दैट इज नोन एज फोर्ज वेल्डिंग। ठीक, इसके अलावा एक होता है डिफ्यूजन वेल्डिंग, मॉलिकुलर ट्रांसफर होता है इसमें, मॉलिक्यूल्स के ट्रांसफर होते हैं, है ना। तो आपको अगर मैं बोलूं तो मशीनिंग में जो बिल्ट अप एज बनता है वो डिफ्यूजन वेल्डिंग की वजह से बनता है, आपके मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है ना। सो वो उस टाइप का जो वेल्डिंग होता है वो डिफ्यूजन वेल्डिंग कहलाता है। फ्रिक्शन वेल्डिंग में आप फ्रिक्शन का एप्लीकेशन करने वाले हो, फ्रिक्शन की वजह से आपका वहां पे वेल्ड होने वाला है। सो दिस आर ऑल आर व्हाट, सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। अगर मैं लिक्विड स्टेट वेल्डिंग के बारे में बात करूं तो इसमें मेनली दो टाइप के वेल्डिंग आपको देखने को मिलेंगे, एक होता है इलेक्ट्रिक वेल्डिंग, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग, एक होता है आपका केमिकल वेल्डिंग, केमिकल वेल्डिंग। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक वेल्डिंग के बारे में, सो इलेक्ट्रिक वेल्डिंग में ना आपके दो तरीके के वेल्डिंग आप देख सकते हैं, एक होता है आर्क वेल्डिंग, एक होता है रेजिस्टेंस वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग एंड रेजिस्टेंस वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग। एंड रिमेंबर दिस माय डियर फ्रेंड कि बोथ वेल्डिंग आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये जो प्रोसेस है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मैं ऑब्वियसली आपको आर्क वेल्डिंग से शुरू करूंगा, है ना, और इस पर बहुत सारी बातें हम लोग करने वाले हैं आर्क वेल्डिंग के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है आर्क वेल्डिंग और रेजिस्टेंस वेल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर जो सवाल है वो यहीं से आते हैं। ठीक, अगर मैं केमिकल वेल्डिंग के बारे में बात करूं तो आपका थर्मिट वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, थर्मिट वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, ये केमिकल वेल्डिंग है। गैस वेल्डिंग आप देखे होंगे दुकान वगैरह में आपका, इन जनरल गैस वेल्डिंग आप देखे होंगे, आर्क वेल्डिंग भी देखे होंगे, आर्क वेल्डिंग भी देखे होंगे, है ना, एटलीस्ट कॉलेज में देखे होंगे, वर्कशॉप में देखे होंगे, ठीक है ना। गैस वेल्डिंग आपका देखोगे साइकिल दुकान वगैरह में इन जनरल रखा जाता है। थर्मिट वेल्डिंग जो होता है उसमें एक थर्मिट यूज किया जाता है, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एल्यूमिनियम एंड आयरन ऑक्साइड्स, मतलब आयरन का होता है ना, एल्यूमिनियम एंड आयरन का आपका वो कॉम्बिनेशन होता है थर्मिट जो होता है एक प्रॉपर रेशियो में। सो वो आपका जो थर्मिट होता है जब उसमें रिएक्शन होता है तो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट निकलने वाला है। सो अगर मैं बोलूँ ये ज़्यादातर रेलवे में यूज़ होता है, रेलवे रिपेयरिंग, अब तो वो भी धीरे से क्या हो गया कि पोर्टेबल वेल्डिंग मशीन्स आ गए हैं, सो थर्मिट वेल्डिंग एज सच अब कम यूज होता है। नहीं तो पहले क्या होता था कि आप देखें रेलवे ट्रैक जो है वो ऐसी ऐसी जगह पे रहता है जहाँ पे आपको सोर्स वेल्डिंग करने के लिए जो एनर्जी सोर्स की रिक्वायरमेंट है वो पॉसिबल नहीं हो पाता, सो थर्मिट वेल्डिंग ज़्यादा प्रेफर किया जाता है उस समय पे। ठीक, आगे अगर मैं बात करूँ सॉलिड और लिक्विड स्टेट में तो आपका सोल्डरिंग, ब्रेजिंग, ये आपका क्या है, सॉलिड और लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड, सो सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग इस कैटेगरी में आने वाला है। ठीक, इसके अलावा ऑन द बेसिस ऑफ फिलर मटेरियल, ये तो क्या हुआ आपका जो प्रोसेस है उसके बेसिस पे हुआ, अगर ऑन द बेसिस ऑफ फिलर मटेरियल अगर मैं वेल्डिंग की बात करूं, फिल ऑफ मटेरियल बेसिस, फिल ऑफ मटेरियल बेसिस पे बात करूं तो ये तीन तरीके से फिर डिवाइड किया जा सकता है। एक होता है ऑटोजीनियस,
ऑटोजीनियस, ऑटोजीनियस वेल्डिंग, होमोजीनियस वेल्डिंग, एंड हेट्रोजीनियस वेल्डिंग। ठीक, ऑटोजीनियस वेल्डिंग क्या होता है? जिसपे आप फिलर मटेरियल यूज ही नहीं करते, नो फिलर मटेरियल। फिलर मटेरियल क्या होता है? फिलर मटेरियल आप एक एक्स्ट्रा मटेरियल प्रोवाइड करने वाले हो इन द फॉर्म ऑफ, इन जनरल वो रॉड के फॉर्म में होता है, एकदम पतला सा रॉड के फॉर्म में होने वाला है। ठीक है, वो आप एक्स्ट्रा मटेरियल प्रोवाइड करते हो जिस गैप को फिल करना है, जिस गैप को फिल करना है, जिसकी वजह से ज्वाइनिंग आपको क्रिएट करना है। सो उसके लिए आप एक्स्ट्रा फिलर मटेरियल की जरूरत करते हैं, जरूरत पड़ती है और वो यूज करते हैं। लेकिन बिना फिलर मटेरियल के भी आप वेल्डिंग कर सकते हैं और उस तरीके का वेल्डिंग कहलाता है ऑटोजीनियस वेल्डिंग। ठीक, अगर होमोजीनियस की बात करूं तो आपका जो वेल्डिंग होगा उस पे फिलर मटेरियल यूज, फिलर मटेरियल फिलर मटेरियल को यूज करेंगे बट सेम एज बेस मटेरियल, बट सेम एज बेस मटेरियल, बेस मटेरियल जैसा ही। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि आप आयरन का वेल्डिंग कर रहे हैं, माइल्ड स्टील का वेल्डिंग कर रहे हैं, माइल्ड स्टील का वेल्डिंग कर रहे हैं, तो आपका जो फिलर मटेरियल होगा वो माइल्ड स्टील का ही होगा। ठीक, सो उस तरीके का वेल्डिंग कहलाता है होमोजीनियस वेल्डिंग। और अगर आप फिलर मटेरियल यूज कर रहे हैं एंड फिलर मटेरियल इज डिफरेंट फ्रॉम द बेस मटेरियल, दैट इज नोन एज हेट्रोजीनियस वेल्डिंग। सो हेट्रोजीनियस वेल्डिंग में यूज फिलर मटेरियल, बट डिफरेंट फ्रॉम बेस मटेरियल। फ्रॉम बेस मटेरियल, बेस मटेरियल से डिफरेंट होगा। ठीक, अगर इस पे देखोगे तो सारे सॉलिड स्टेट वेल्डिंग ऑटोजीनियस वेल्डिंग कहलाते हैं, इसमें कोई फिलर मटेरियल यूज नहीं होता। आपका ये जो आर्क वेल्डिंग है, आर्क वेल्डिंग होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दोनों हो सकता है, लेकिन अगर मैं क्वेश्चन पर्पज से बोलूं तो ये आपका होमोजीनियस के कैटेगरी में जाएगा आर्क वेल्डिंग। रेजिस्टेंस वेल्डिंग में आप फिलर मटेरियल यूज नहीं करते, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोड आप इंडेंटेशन क्रिएट करते हो, इंटरनल मटेरियल का मेल्टिंग होता है, फ्यूजन वेल्डिंग कहलाता है। ये फ्यूजन वेल्डिंग के कैटेगरी में आता है। ये जो लिक्विड स्टेट है वेल्डिंग है, इसको आप फ्यूजन वेल्डिंग भी कह सकते हैं। ठीक है ना, सो आपका क्या होगा कि मटेरियल मेल्ट होगा और इंटरनली ज्वाइंट हो जाता है, हाँ ना, इसको आपको ऑटोजीनियस के कैटेगरी में डालना चाहिए। ये फिर से होमोजीनियस के कैटेगरी में डालना चाहिए। अलग यूज कर सकते हो फिलर मटेरियल, अलग यूज कर सकते हो और इन जनरल होता भी है, लेकिन कोई सवाल पूछेगा सो प्राइमरी कंसिडरेशन होमोजीनियस रहना चाहिए, प्राइमरी कंसिडरेशन। अगर मैं बोलूं फॉर एग्जांपल थर्मिट, तो यार फिक्स है मेरा, अब मैं दूसरे मटेरियल का वेल्डिंग करने जा रहा हूं तो ये तो हेट्रोजीनियस हो जाएगा। लेकिन अगर कोई सवाल पूछे, सवाल की बात कर रहा हूं ना भाई, सवाल की बात, एग्जाम के सवाल की बात कर रहा हूं, सो होमोजीनियस के कैटेगरी में डालना चाहिए। बाकी तो यस ही, यस दिस इज पॉसिबल हेट्रोजीनियस। ये आपका हेट्रोजीनियस के कैटेगरी में आने वाला है, हेट्रोजीनियस। ठीक, सो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है भाई। ठीक, नोट कर लीजिए, ये पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट जो वेल्डिंग में है, वो है आर्क वेल्डिंग। तो आर्क वेल्डिंग के बारे में बात करते हैं। आर्क वेल्डिंग, अगर मैं बात करूं इसका प्रिंसिपल क्या होता है आर्क वेल्डिंग का, तो आपके पास आप यूज करने वाले हो एक इलेक्ट्रोड और वर्कपीस। सो आर्क वेल्डिंग
मेनली यूज फॉर द कंडक्टिंग मटेरियल, मेनली यूज फॉर। नॉन कंडक्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं क्या सर? बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन दैट विल बी द स्पेशल आर्क वेल्डिंग, जहां पे आर्क विल बी जनरेटेड बाय द टू इलेक्ट्रोड्स, है ना। जैसे कि अगर मैं बोलूं ये आपका वर्क पीस है, ये कंडक्टिंग होगा, ये आपका इलेक्ट्रोड है, ये भी कंडक्टिंग होगा। सो आर्क अब दोनों के बीच में जनरेट करने वाले हो। अगर मैं दो इलेक्ट्रोड ले आया, दोनों आपका कंडक्टिंग है, आर्क दोनों के बीच में जनरेट होगा और वो यहीं पे पास में ले आया। सो इसको हीट करेगा, इसको हीट करेगा, जो पर्पस आपका है वो फुलफिल आप कर सकते हैं, ठीक। सो वो स्पेशल काइंड ऑफ आर्क वेल्डिंग होता है। मोस्टली अगर मैं बोलूं ज्यादातर जो आर्क वेल्डिंग के नंबर ऑफ प्रोसेस है, नंबर ऑफ आपके क्लासिफिकेशन दिखेंगे आर्क वेल्डिंग के, कि जैसे कि अगर मैं बोलूं डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्क वेल्डिंग, आपका शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग हो गया, मेटल इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग हो गया, टंगस्टन इनर्ट आर्क वेल्डिंग हो गया, है ना, मीग, टीग, ठीक, टीग। एक सवाल, अब टीग बोल दिया हूं तो एक सवाल आपका हमेशा पूछा जाता है, ये लिख लीजिएगा कहीं पे, टीग इज द वेल्डिंग वेयर नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड इज यूज, नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड इज यूज, टंगस्टन इलेक्ट्रोड यूज होता है, वो कंज्यूमेबल नहीं होता। मतलब जैसे कि यहां पे मैं प्रोसेस बता रहा था आपको वेल्डिंग का, सो एक इलेक्ट्रोड है, एक वर्क पीस है, इसको आप एक पावर सोर्स से इस तरीके से कनेक्ट करेंगे, इस तरीके से आप कनेक्ट करेंगे। ये पावर सोर्स जो है, इट मे बी एसी, इट मे बी डीसी, अल्टरनेटिंग करंट का हो सकता है और डायरेक्ट करंट का हो सकता है जो पावर सोर्स है, ठीक। ये दोनों पॉसिबल है भाई। अब यहां पे ये जो इलेक्ट्रोड है, इट मे बी कंज्यूमेबल, इट मे बी नॉन कंज्यूमेबल। अगर कंज्यूमेबल है तो आपको अलग से फिलर मटेरियल की जरूरत नहीं पड़ने वाली, यही कंज्यूम हो जाएगा जहां पे वेल्डिंग करना है। और अगर ये नॉन कंज्यूमेबल है सो रिक्वायर्ड अलग से फिलर मटेरियल, आपको अलग से फिलर मटेरियल की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक। सो दिस इज द इलेक्ट्रोड एंड इट मे बी पॉसिबल कंज्यूमेबल और नॉन कंज्यूमेबल। नॉन कंज्यूमेबल, ठीक। अब देखिए किस तरीके से होता है वेल्डिंग, पावर सप्लाई मे बी एसी, मे बी डीसी, जो भी होगा। सो इसको जैसे ही ये जो इलेक्ट्रोड है, इसको इलेक्ट्रोड को मैं नीचे ले आऊंगा और इससे टच कर दूंगा। अगर इससे टच करूंगा तो सर्किट कंप्लीट होगा। आप किसी भी साइड को पॉजिटिव निगेटिव, है ना, या एसी यूज कर रहे हैं तो कंटिन्यूसली पोलारिटी चेंज होगा, मैं बात करूंगा, ठीक है। सो आपका जैसे फॉर एग्जाम्पल जस्ट मैं बोला हूं, है ना, इसको पॉजिटिव दे दिया इलेक्ट्रोड को, इसको निगेटिव दे दिया, फॉर एग्जाम्पल जस्ट, ठीक। तो ये निगेटिव है आपका वर्क पीस, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब ये एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया, ये आपका एनोड हो गया, ये आपका कैथोड हो गया। अब जैसे ही इसको टच किया तो सर्किट कंप्लीट हो गया मतलब यहां पे करंट फ्लो होगा और उसके बाद अगर फ्लो हो रहा है तो जस्ट मैं इसको तुरंत ब्रेक कर दूंगा, थोड़ी देर के बाद ब्रेक कर दूंगा। ये जो आपका सर्किट कंप्लीटेड था, सो ये इलेक्ट्रोड को ऊपर उठा दिया तो ये ब्रेक हो गया और ये जो ब्रेक होता है, ये वाला जो गैप है, दिस इज नोन एज स्पार्क गैप। आप ना क्या करते हैं, सबसे पहले तो सर्किट कंप्लीट किया तो पूरा करंट फ्लो हो रहा था, अब सर्किट को ब्रेक कर रहा हूं बाय अ स्मॉल गैप एंड दैट गैप इज नोन एज स्पार्क गैप। ये बहुत कम होना चाहिए और आपका ये जो गैप है, इस पे क्या होगा, अब जो करंट है, हाँ ना, इस गैप में जो गैसेज रहेंगे उसको आयोनाइज कर देगा, एक कॉलम बना लेता है, आयोनाइज कॉलम, एंड दैट इज नथिंग बट एक अलग स्टेट मिलता है उसका, उसको बोलते हैं प्लाज्मा। मतलब यहाँ पे
ये जो गैप क्रिएट हुए रहेगा इस पे, ये आयोनाइज्ड कॉलम इस तरीके से क्रिएट हो जाएगा, एंड दिस इज नथिंग बट योर आर्क, दिस इज नथिंग बट योर आर्क। आर्क क्रिएट हो गया, यहाँ पे हीट होगा, हीट होगा सो मटेरियल मेल्ट होगा, मेल्ट होगा उसके बाद आप उसको सॉलिडिफिकेशन के लिए छोड़ दीजिए, वेल्ड होने वाला है। सो दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज आर्क वेल्डिंग, प्रिंसिपल ऑफ आर्क वेल्डिंग। ठीक, आगे बात करता हूँ, आगे बात करता हूँ कि इस तरीके से होने वाला है वेल्डिंग, किस तरीके से होने वाला है। अब देखिए आपका जो करंट फ्लो होगा वो कहाँ से कहाँ, मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाएगा, निगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, निगेटिव टू पॉजिटिव, सो इलेक्ट्रॉन विल हैव वेरी हाई वेलोसिटी, और वो निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाने वाला है, और वो जाके क्या होगा, वेरी हाई वेलोसिटी से टकराने वाला है, किस पे, पॉजिटिव साइड पे, जो भी पॉजिटिव होगा। अभी इसको पॉजिटिव माना हो, इसको निगेटिव माना हो, तो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के उसको पॉजिटिव साइड को टकराएगा, और वहां पे इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा हीट एनर्जी में, एंड इट विल जनरेट वेरी हाई एनर्जी, वेरी हाई हीट, मतलब बहुत ज्यादा हीट वो प्रोड्यूस करने वाला है। ठीक, सो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यहां पे टकराएगा, निगेटिव से निकल रहा है पॉजिटिव पे टकराएगा, सो पॉजिटिव पे ज्यादा हीट जनरेट होने वाला है। अबाउट टू थर्ड ऑफ हीट आपका कहाँ पे जनरेट होता है, एनोड पे, और 1/3 ऑफ हीट जो बचा हुआ है वो आपको दिखेगा, 1/3 ऑफ एनर्जी और हीट वो आपको दिखेगा कैथोड पे, कैथोड पे। सो आप देखिए कि किस तरीके से हीट जनरेट हो रहा है, और ये हीट क्यों जनरेट हुआ, ये ज्यादा हीट क्यों जनरेट हुआ, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। ठीक, अगर इस तरीके से मैं जैसे आपको एग्जांपल के लिए बताया था कि पॉजिटिव निगेटिव, ये अभी क्या बताया मैं आपको, आर्क वेल्डिंग का प्रिंसिपल बताया कि इस तरीके से आर्क वेल्डिंग होता है। ठीक, नोट इट डाउन, नोट इट डाउन, इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको इरेज करके आर्क वेल्डिंग के बारे में और बात करने वाला हूं कि यार जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे ये निगेटिव ये पॉजिटिव दिया, हो सकता है ये निगेटिव ये पॉजिटिव हो सकता है आप एसी यूज करें, सो ऑन दैट बेसिस आर्क वेल्डिंग इज फर्दर डिवाइडेड, कि वो किस तरीके से क्लासिफाई कर सकता हूँ उस बेसिस पे मैं बात करता हूँ, इसको इरेज करता हूँ और उसके क्या क्या सिग्निफिकेंस है उसके बारे में बात करता हूँ। ये नंबर वन, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड निगेटिव, इलेक्ट्रोड निगेटिव, दैट इज योर डी सी ई एन, डी सी ई एन, आपको ये क्या हुआ, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड निगेटिव, इलेक्ट्रोड को निगेटिव दे दे रहे हैं, और दिस इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रेट पोलारिटी, स्ट्रेट पोलारिटी। हाँ ठीक है भाई, स्ट्रेट पोलारिटी के बारे में मैं बात कर रहा था, ये कहलाता है क्या, स्ट्रेट पोलारिटी। ठीक, और डीसीएन डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड निगेटिव, मतलब क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रोड को निगेटिव देने वाले हैं। ठीक है, डीसी सोर्स है पावर सप्लाई, ये हो गया आपका वर्क पीस। ठीक, ये आपका इलेक्ट्रोड है, इस साइड को दिया हूं मैं निगेटिव, इसको दे दिया पॉजिटिव। नाउ माय डियर दिस इज कैथोड, नाउ ये आपका कैथोड हो गया और ये आपका एनोड हो गया, एनोड हो गया। व्हाट विल हैपन हियर, इलेक्ट्रॉन विल कम फ्रॉम द इलेक्ट्रोड एंड इट विल इम्पैक्ट ऑन द व्हाट, वर्कपीस, वर्कपीस पे हाई वेलोसिटी से आएगा और टकराएगा, है ना, मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और वो टकराएगा कहाँ पे, वर्कपीस पे, वो वर्कपीस पे टकराएगा। नाउ माय डियर
आपका वर्क पीस पे कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी चला जाएगा, फिर 2/3 अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी जनरेटेड ऑन द वर्क पीस, 1/3 अमाउंट ऑफ हीट विल बी जनरेटेड ऑन द इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड साइड में. सो माय डियर फ्रेंड, व्हाट विल हैपन हियर, कि आपका ज्यादा हीट कहां पे आया, वर्क पीस पे आया. अगर ज्यादा हीट वर्क पीस पे आ रहा है, आपका इलेक्ट्रोड निगेटिव में, मैंने क्या किया, इलेक्ट्रोड गिवन एज निगेटिव, इलेक्ट्रोड आपका निगेटिव रहेगा, वर्क पीस आपका पॉजिटिव है. ठीक, ज्यादा हीट कहां पे जनरेट हो रहा है, आपका वर्क पीस पे. सो ये जो पर्टिकुलर पोलारिटी है, ये पर्टिकुलर जो पोलारिटी आपको दिख रहा है DCEN, है ना, इस टाइप का आर्क वेल्डिंग का पोलारिटी आप यूज कर सकते हो जब आपको हाई मेल्टिंग पॉइंट वर्क पीस का वेल्डिंग करना होगा. हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों, क्योंकि ज्यादा हीट कहां पे आ रहा है, आपका वर्क पीस पे आ रहा है. अगर ज्यादा हीट आपके वर्क पीस पे आ रहा है तो ऑब्वियसली ये ज्यादा हीट मतलब ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल के लिए आप यूज कर सकते हो. ठीक, सो इट कैन बी यूज फॉर द मोर मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल और हाई मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल. हाई मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल्स के लिए प्रिफर होने वाला है. ठीक, हाई मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल्स के लिए आप प्रिफर करेंगे. साथ के साथ क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हाई वेलोसिटी से आ रहा है, यहां पे टकराएगा. सो इसमें जो पेनिट्रेशन है दैट विल बी मोर. ठीक, सो मोर पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन मतलब इलेक्ट्रॉन, रुक जाओ मैं बात करता हूं. मोर पेनिट्रेशन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हाई वेलोसिटी से आके वर्कपीस पे टकराएगा. तो पेनिट्रेशन मतलब ये कितने डेप्थ तक आपका वो पहुंच सकता है. मतलब अगर मैं बोलूं पेनिट्रेशन विल बी लाइक दिस, कि कितना पेनिट्रेट कर सकता है. सो दिस इज योर पेनिट्रेशन, दिस विल बी योर पेनिट्रेशन. ठीक, सो मोर पेनिट्रेशन आपको देखने को मिलेगा इस पे. अब देखो एक चीज कि आपका इलेक्ट्रोड पे इस साइड, ये कंज्यूमेबल भी हो सकता है, अगर नॉन कंज्यूमेबल रहेगा सो आप एक एक्स्ट्रा फिलर मटेरियल इस तरीके से कुछ दोगे. ये आपका फिलर मटेरियल होगा एक, अगर ये नॉन कंज्यूमेबल है. अगर ये कंज्यूमेबल है सो फिलर मटेरियल की जरूरत नहीं पड़ने वाली, फिलर मटेरियल की जरूरत नहीं पड़ने वाली. ठीक, सो अगर फिलर मटेरियल भी वहां से दिए या आपका इलेक्ट्रोड कंज्यूमेबल है सो फिलर मटेरियल की जरूरत नहीं पड़ रही है. लेकिन जो हीट है, जो हीट है आपका इलेक्ट्रोड साइड, हीट कितना है, अमाउंट ऑफ हीट कम है, मतलब उसका जो मेल्टिंग होगा, इलेक्ट्रोड का मेल्टिंग कम होगा. अगर इलेक्ट्रोड का मेल्टिंग कम होगा तो वो वेल्ड पूल, ये क्या कहलाता है, ये जहां पे वेल्डिंग करोगे इस तरीके का आपका वेल्डिंग हो रहा है. जैसे फॉर एग्जांपल ये वर्क पीस रहा, ये वर्क पीस रहा, सो यहां पे अगर वेल्डिंग हो रहा है तो ये कहलाता है वेल्ड पूल. ये आपका देखो यहां से लेके यहां से लेके यहां तक कहलाता है पेनिट्रेशन, और इसके ऊपर वाला पोर्शन कहलाता है रेनफोर्समेंट. इसको एक काम करता हूं, बता ही देता हूं आपको अच्छे से ताकि आपको पता रहे. जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ये वेल्डिंग करने वाला हूं, ये दो अलग अलग मटेरियल थे, है ना, जिसको वेल्ड करने के लिए मैं गया, है ना, ये बेस मटेरियल, एक बेस मटेरियल, दोनों को एक साथ ज्वाइन करने चाह रहा हूं. तो यहां पे क्या होगा कि आप जब वेल्ड करेंगे ये, तो ये थोड़ा सा इस तरीके से फ्यूजन होने वाला है इसका, और यहां पे मोल्टन मेटल कुछ तो बेस मटेरियल का होगा, कुछ फिलर मटेरियल का आने वाला है. और ये जो आपको दिखाया हूं, ये जो है, दिस इज नोन एज पेनिट्रेशन, दिस इज नोन एज पेनिट्रेशन, इसको बोलते हैं पेनिट्रेशन. ये कहलाता है आपका पेनिट्रेशन. इसके ऊपर थोड़ा सा एक्स्ट्रा मटेरियल हम लोग और फिल करते हैं टू इंश्योर कि वेल्डिंग हो गया. साथ के साथ क्या होता है कि ठंडा होते जाता है तो थोड़ा सा मटेरियल वहां से आपका जो श्रिंक होगा तो थोड़ा सा मटेरियल इधर और आ जाए, फ्लो हो जाए, है ना. इसलिए थोड़ा सा ऊपर हम लोग वेल्ड करते हैं और ये वाले जो पोर्शन है
ये कहलाता है रेनफोर्समेंट। ये सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस हम लोग वेल्डिंग करते समय देखते हैं, ये रेनफोर्समेंट कहलाता है। रेनफोर्समेंट ठीक, फाइनल कैलकुलेशन में आपको नहीं दिखेगा, मतलब आप जब स्ट्रेंथ का कैलकुलेशन करोगे तो ये रेनफोर्समेंट वाला जो पोर्शन है उसको ग्राइंडिंग करके है ना निकाल देते हैं। ठीक, ये हम लोग इंश्योर करने के लिए ये करते हैं कि ये पूरा जो वेल्ड पूल है वो मोल्टन मेटल से भर गया, पूरा अच्छे से वेल्डिंग हो गया है, ये इंश्योर करने के लिए हम लोग रेनफोर्समेंट देते हैं। ठीक, सो अब मैं कह रहा हूं कि यार इसको भरने के लिए, इसको भरने के लिए क्या चाहिए, ये जो पोर्शन है हाँ ना, इसमें मैंने बोला कि फिलर मटेरियल आया, फिलर मटेरियल आया तो फिलर मटेरियल मेल्ट होके यहाँ पे गिरेगा, ये अगर इलेक्ट्रोड हुआ या जो भी है तो वो मेल्ट होके यहाँ पे गिरेगा। सो ये जो रेट है जिससे आपका फिलर मटेरियल वेल्ड पुल पे आता है दैट इज नोन एज डिपोजिशन रेट, इसको क्या कहते हैं, डिपोजिशन रेट, ये डिपोजिशन रेट कहलाता है। सो अगर आपका फिलर मटेरियल ज्यादा मेल्ट हुआ, समझ में आ रही बात, ज्यादा मेल्ट हुआ तो ज्यादा तेजी से आएगा, सो डिपोजिशन रेट क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर कम मेल्ट हुआ तो कम तेजी से आएगा, कम हो जाएगा, उसका आने का रेट जो है वो कम हो जाएगा, सो डिपोजिशन रेट क्या होगा, कम होगा। सो यहां पे फिलर मटेरियल ज्यादा मेल्ट होगा कि कम मेल्ट होगा, कम मेल्ट होगा सर, बट ऑब्वियस है क्योंकि वन थर्ड ऑफ एनर्जी इज ऑन द इलेक्ट्रोड, वन थर्ड ऑफ एनर्जी इज ऑन द इलेक्ट्रोड है ना, वन थर्ड एनर्जी है तो वहां पे मेल्टिंग कम होगा फिलर मटेरियल का, और फिलर मटेरियल का अगर मेल्टिंग कम है तो डिपोजिशन रेट कम होगा। ठीक, सो इस पे लेस डिपोजिशन रेट होता है, इसका लेस डिपोजिशन रेट देखने को मिलेगा आपको। ठीक, लेस डिपोजिशन रेट आपको देखने को मिलेगा, ये इरेज कर रहा हूं भाई, ये इरेज कर रहा हूं है ना, कहीं कॉपी में कॉर्नर में आप नोट कर लीजिए, क्या एटलीस्ट जो बेसिक टर्म्स हैं वो धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चीज क्या है। ठीक, दूसरे टाइप का एक आपको और देखने को मिलेगा, अगर मैं डीसी में ही बात करूं तो वो कहलाता है डायरेक्ट करेंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव, दैट इज योर डीसीईपी, डायरेक्ट करेंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव, दिस इज नोन एज रिवर्स पोलैरिटी। रिवर्स पोलैरिटी, ये हो गया वर्क पीस। डीसीईपी इलेक्ट्रोड को क्या दे रहे हैं, पॉजिटिव दे रहे हैं, इसको क्या दे रहे हैं, निगेटिव दे रहे हैं, वर्क पीस निगेटिव हो गया। अब इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, आपका इलेक्ट्रॉन अब वर्क पीस से निकलेगा, कहां टकराएगा, इलेक्ट्रोड पे टकराएगा, इलेक्ट्रोड पे टकराने वाला है। ठीक, सो ये इस पे क्या किए, आपने इलेक्ट्रोड को क्या दिया, पॉजिटिव, इलेक्ट्रोड आपका हो गया पॉजिटिव, वर्कपीस निगेटिव है, वर्कपीस आपका निगेटिव है, मतलब ये हो गया आपका कैथोड, ये हो गया आपका एनोड, एनोड। ठीक, अब देखिए ये इलेक्ट्रोड पॉजिटिव, इसको वर्कपीस को निगेटिव दिया, ज्यादा ज्यादा एनर्जी कहां जाएगा, ऑब्वियसली सर एनोड में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के वहां पर टकराएगा, तो टू थर्ड ऑफ एनर्जी विल बी देयर एंड वन थर्ड ऑफ एनर्जी विल बी हियर, सो इट विल बी यूज फॉर द लेस मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल है ना, क्योंकि आपका ज्यादा करेंट ज्यादा हीट यहां पे नहीं होगा, ज्यादा हीट यहां पे होगा, सो ऑब्वियसली वर्क पीस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम होना चाहिए कंपेयर टू दैट वन, सो लेस मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल, मटेरियल्स के लिए आप ये इस्तेमाल करने वाले हो। ठीक, अगर मैं बात करूं आपका, अगर मैं बात करूं आपका इस पे पेनिट्रेशन क्या होगा, लेस, लेस पेनिट्रेशन,
पेनिट्रेशन विल बी लेस, डिपोजिशन रेट विल बी हाई, है ना, क्यों, क्योंकि आपका इलेक्ट्रोड ज्यादा मेल्ट होने वाला, ज्यादा एनर्जी है तो इलेक्ट्रोड ज्यादा मेल्ट होगा तो ज्यादा तेजी से आपके वर्कपीस में आएगा, वेल्ड पूल में आएगा, सो मोर डिपोजिशन रेट. ठीक, मोर डिपोजिशन रेट. अब देखिए एक चीज और होता है, एक चीज और होता है, वो है कि इस पे कैथोडिक क्लीनिंग होता है. कैथोडिक क्लीनिंग क्या होता है कि इन जनरल जैसे मैं बोलूं आपका सबसे जो डिफिकल्ट होता है वेल्डिंग करना वो एलुमिनियम, क्यों, क्योंकि एलुमिनियम का अगर आप वेल्ड करेंगे तो उसके जो सर्फेसेज है ना उस पर ऑक्साइड लेयर फॉर्म हो जाता है, ऑक्साइड लेयर. और इन जनरल आपका जो ज़्यादातर जो एलुमिनियम है उसके सर्फेसेज में ऑक्साइड लेयर फॉर्म होता है, एलुमिनियम ऑक्साइड. और एलुमिनियम ऑक्साइड, आप समझिए, आप समझिए, फॉर एग्जांपल ये एलुमिनियम का वर्क पीस है, सो एलुमिनियम ऑक्साइड का ये लेयर बना हुआ है. मैं क्लीन कर लिया तो अच्छी बात है, लेकिन अगर मैं बार बार देखूं तो क्लीनिंग दिक्कत है, दिक्कत है. और ये एलुमिनियम ये ऑक्साइड लेयर है, ये क्या है, ये आपका अगर ऑक्साइड लेयर है, अगर ऑक्साइड लेयर है तो होगा क्या, ऑक्साइड लेयर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा होता है. अगर मैं बोलूं फॉर एग्जांपल इसका मेल्टिंग पॉइंट है 3000 डिग्री सेंटीग्रेड और जो प्योर एल्यूमिनियम है उसका मेल्टिंग पॉइंट है 600 डिग्री सेंटीग्रेड, 600 साढ़े 600. ठीक, मतलब आप जब वेल्डिंग कर रहे हो तो ऊपर वाले लेयर को मेल्ट करने के लिए आपको 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर जनरेट करना पड़ेगा. उसका जस्ट जैसे ही लेयर निकला उसके बाद आपको 600 साढ़े 600 की नीड होगी. तो आप समझिए अगर ऊपर से मैं उसको हीट करना शुरू किया तो वो लेयर पे टेम्परेचर क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा चाहिए 3000, लेकिन उसके बाद के लेयर को कम चाहिए, तो क्या मैं कंट्रोल कर सकता हूँ क्या, नहीं. 3000 दिया, जैसे उस पोर्शन में जाएगा तो वो तो इवॉपरेट होना शुरू हो जाएगा ना, प्योर एल्युमिनियम आपका इवॉपरेट वेल्डिंग की जगह कटिंग होना शुरू हो जाएगा. बट ऑब्वियस है उस तरीके का डिजाइन नहीं है. साथ के साथ इवन दो इसको क्लीन कर दिया, इसको क्लीन कर दिया, क्लीन कर दिया, ये तो कैथोडिक क्लीनिंग का मैंने बात कर दिया आपको. ठीक है, अब जैसे आप कई स्टूडेंट के मन में आएगा कि सर एल्युमिनियम का अगर इस तरीके से होता है उसका सरफेस इस तरीके से एल्युमिनियम ऑक्साइड बन जाता है इसलिए डिफिकल्टी देता है, तो उसको अगर पहले ही साफ कर दूं, ठीक है पहले साफ कर दिया आप वेल्डिंग करने का, अब वेल्डिंग करने का फिर से हीट दोगे, मतलब वेल्डिंग करने के दौरान आप फिर से हीट दोगे एल्युमिनियम को, हीट दोगे तो जैसे ही हीट मिलेगा सो एटमॉस्फेरिक एयर का, एटमॉस्फेरिक एयर में जो ऑक्सीजन है उसको एब्जॉर्ब करके फिर से ऑक्साइड फॉर्म कर देगा, एक लेयर फॉर्म कर देगा. सो डिफिकल्टी होता है, दैट्स व्हाई वहां पे प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट रिक्वायर्ड है, साथ के साथ कैथोडिक क्लीनिंग भी रिक्वायर्ड है. सो यहां पे आपको कैथोडिक क्लीनिंग देखने को मिलेगा. क्या होता है कैथोडिक क्लीनिंग, कि आपका जैसे ही ये लेयर गर्म हुआ और इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा सो ये लेयर को क्लीन करते जाएगा, तो ये लेयर आपका क्लीन हो जाएगा, ये लेयर आपका क्लीन हो जाएगा, एंड दिस इज नोन एज कैथोडिक क्लीनिंग. है ना, हीट करेगा इलेक्ट्रॉन जैसे जाएगा तो इलेक्ट्रॉन अपने साथ ये वाला जो लेयर ऑक्साइड लेयर उसको साफ कर देगा, और ये कहलाता है आपका कैथोडिक क्लीनिंग. ठीक, कैथोडिक क्लीनिंग. लेकिन यार जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कम टेम्परेचर होगा, कम हीट होगा, यहाँ पे ज़्यादा हीट होगा. सो लेकिन ऑक्साइड के लिए तो आपको ज़्यादा हीट की रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा हीट की रिक्वायरमेंट है. सो कैथोडिक क्लीनिंग ना इस प्रोसेस में, ना इस प्रोसेस में होता तो है, पॉसिबल है, लेकिन आप ज्यादा प्रिफर नहीं करने वाले कैथोडिक क्लीनिंग के लिए. क्यों? क्योंकि ऑक्साइड लेयर को मेल्ट करने के लिए, मेल्ट होगा तभी तो यहां से फ्लो होगा. सो पहले मेल्ट होना चाहिए फिर फ्लो होगा, मेल्ट होगा तभी फ्लो होगा. सो मेल्ट होने के लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, जो हीट रिक्वायर्ड है, वो प्रॉपर नहीं मिल पाता, इसलिए इसको ज्यादा प्रिफर नहीं करते. लेकिन पॉसिबल है कि नहीं कोई पूछेगा, तो यस पॉसिबल है भाई कैथोडिक क्लीनिंग. अगर मैं बात करूं एक थर्ड टाइप, दैट इज योर एसी, आप एसी पावर सप्लाई, है ना, मतलब एसी आर्क वेल्डिंग के बारे में मैं बात कर रहा हूं, एसी आर्क वेल्डिंग. सो इस पे आप पावर सप्लाई कैसे यूज करने वाले हो, आपका एसी रहेगा,
पावर सप्लाई आपका एसी होने वाला है, ये एसी पावर है। इस पे क्या था, ये डीसी था, ये भी आपका डीसी था। अब एसी अगर मैं बात कर दिया तो यार आप जैसे घर में इंडिया में जो यूज़ होता है वो 50 हर्ट्ज़ का फ्रिक्वेंसी यूज़ होता है, मतलब आपका हर सेकेंड में 50 साइकिल, एक बार पॉजिटिव एक बार निगेटिव, एक बार पॉजिटिव एक बार निगेटिव, इस तरीके से होने वाला है। मतलब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सो एक बार पोलारिटी ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा। अगर ये निगेटिव हुआ ये पॉजिटिव हुआ, है ना, ये पॉजिटिव हुआ ये निगेटिव हुआ, तो 1/3 ऑफ एनर्जी यहाँ पे आएगा, 2/3 यहाँ पे आएगा, ठीक। ये सॉरी, ये पॉजिटिव हुआ ये निगेटिव हुआ, अगर ये निगेटिव हुआ तो 2/3 यहाँ पे जाएगा, 1/3 यहाँ पे आएगा। बट ऑब्वियस है यार, पॉजिटिव हुआ पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है पॉजिटिव में 2/3, ये 1/3। उसके बाद दूसरे साइकिल में ये निगेटिव हो जाएगा सेकेंड हाफ के लिए, फर्स्ट हाफ में पॉजिटिव हुआ सेकेंड, यार एसी किस तरीके से होगा, अल्टरनेटिंग पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। सो आपका एक हाफ के लिए पॉजिटिव हुआ, सेकेंड हाफ साइकिल के लिए निगेटिव हो गया। सो पॉजिटिव निगेटिव इस तरीके से होगा, ये फिर से आपका अगर ये निगेटिव हुआ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे एनर्जी 1/3 होगा, यहाँ पे 2/3 होगा। सो ये कंटिन्यूअसली पोलारिटी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, पोलारिटी क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, पोलारिटी इज कंटिन्यूअसली चेंज। चेंजेस, पोलारिटी कंटिन्यूअसली चेंजेस, है ना, पोलारिटी कंटिन्यूअसली चेंजेस। अब क्या होगा, अगर ये कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है तो जो हीट है वो दोनों जगह पे 50-50% यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यहाँ पे भी 50%, मतलब ओवरऑल रिजल्ट 1/3, 2/3, 1/3, 2/3, तो ओवरऑल रिजल्ट आपको दिखेगा कि 50% यहाँ पे हो जाएगा हीट, 50% हीट यहाँ पे हो जाएगा। सो यहाँ पे यूनिफॉर्म हीट डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा, यूनिफॉर्म हीट। यूनिफॉर्म हीट आपको देखने को मिलेगा, ठीक। अगर मैं बात करूं पेनिट्रेशन और डिपोजिशन रेट, दैट विल बी मॉडरेट, ठीक है ना। मॉडरेट मतलब सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन इसमें होगा, सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन अगर मैं बात करूं इस तरीके से आपको दिखेगा, इस तरीके से ये हो गया पेनिट्रेशन DCEN में, ये हो जाएगा एसी में, ये हो जाएगा DCEP में। सो पेनिट्रेशन सबसे कम आपको किस में देखने को मिलेगा, DCEP में, एसी में। मॉडरेट लेवल पे सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन इस पे देखने को मिलेगा। सिमिलरली आपका जो डिपोजिशन रेट है इस पे ज्यादा है, इस पे सबसे कम है, इस पे अगेन मॉडरेट लेवल पे होगा। सो डिपोजिशन, मॉडरेट डिपोजिशन रेट डिपोजिशन रेट, मॉडरेट डिपोजिशन रेट, साथ के साथ यहां पे लिख रहा हूं मॉडरेट पेनिट्रेशन, मॉडरेट पेनिट्रेशन, ठीक। मॉडरेट डिपोजिशन रेट है, मॉडरेट पेनिट्रेशन है। इसमें कैथोडिक क्लीनिंग, ये कैथोडिक क्लीनिंग के लिए प्रीफर होता है, क्यों, क्योंकि जब ये आपका निगेटिव होगा ये पॉजिटिव होगा उस समय ज़्यादा हीट जनरेट होगा, उस समय मेल्ट हो जाएगा ऑक्साइड लेयर का, और जब ये आपका निगेटिव होगा ये पॉजिटिव होगा उस समय यहाँ से निकल जाएगा। सो कैथोडिक क्लीनिंग के लिए ये ज़्यादा प्रीफर होता है, कैथोडिक क्लीनिंग। कैथोडिक क्लीनिंग के लिए ये प्रिफर होने वाला है। सो दिस इज अबाउट योर व्हाट, मैंने अभी आपको आर्क वेल्डिंग में जो पावर सोर्स के बेसिस पे जो डिवीजन होता है, जो टाइप्स होते हैं, उसके बारे में बता दिया। यहां से चीजें पूछी जाती है भाई, पूछी जाती है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है ना, एंड नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में मैं इसके जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उसको किस तरीके से अप्रोच करना है, उसके लिए क्या फॉर्मूलेज होते हैं, उसमें किस तरीके से आपको सोचने की ज़रूरत पड़ने वाली है, उसके बारे में मैं बात करूँगा। सो नोट इट डाउन, है ना, इसको नोट कर लीजिए और इसको रिवाइज करके रखिएगा नेक्स्ट क्लास के लिए। और एक चीज़ और मैं आप लोगों से बात करना चाह रहा था
कि यार अभी क्या हो रहा है कि मैं रिकॉर्ड करता हूँ और आप देख ही रहे हैं कि डेली आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल रहे हैं, है ना। मैं डेली रिकॉर्ड करके आपको वीडियोस और डेली प्रोवाइड कर रहा हूँ। सो होता क्या है, ये जो रिकॉर्डिंग है वो घर में मैं कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं, है ना, जो पॉसिबिलिटीज़ है। और अभी पैंडेमिक सिचुएशन है और कल से ना हमारे यहाँ कंप्लीट लॉकडाउन है, कंप्लीट लॉकडाउन। सो रिकॉर्डिंग तो मैं कर लूँगा, रिकॉर्डिंग करने के बाद इसको ना एकेडमी में भेजता हूँ मैं, और वहाँ पे इसका जो भी टेक्निकल काम है, बाकी रेंडरिंग और ये सब अपलोड वगैरह का, वो वहीं पे होता है। सो जैसे अगर कंप्लीट लॉकडाउन रहा और ऐसा सोर्स नहीं मिल पाया जिससे मैं भेज पाऊँ, है ना, सो मे बी आपको वीडियोस ना एक आध दिन ना मिले, तो प्लीज़ डोंट पैनिक। मैं कर रहा हूँ यार काम, आप भी पढ़ रहे हैं मुझे पता है, इसके लिए ना पैनिक होने की जरूरत नहीं, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत रहेगी, और आप सपोर्ट करेंगे तभी मजा आने वाला है। ऑब्वियसली यार इतनी सारी चीजें मैं दिया हूं, तो ये तो मेरा हक है आप लोगों से मांगने का, मैं हक से कह सकता हूं, आप मेरे स्टूडेंट हो, है ना, आप मेरे स्टूडेंट हो तो मैं हक से ये चीज मांग सकता हूं कि आप मुझे सपोर्ट कीजिए, प्लीज सपोर्ट, ठीक। और ऐसा सिचुएशन हुआ कि एक आध दिन वीडियो नहीं आया, इसका ये मतलब नहीं है कि हम वो वीडियो जानबूझ के नहीं डाल रहे हैं, वो कोई ना कोई ऐसा सिचुएशन हो गया होगा तभी नहीं आया। आप देख सकते हैं टिल नाउ किस तरीके से एफर्ट डाले हैं, ठीक। सो होपफुली ये बात समझेंगे, आप इतने स्मार्ट हो कि ये सारी बातों को आप बहुत आराम से आप समझ सकते हैं, ठीक है डियर। सो आज के लिए थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।